नेशन एट 9 और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान की तारीख बदली, अब छठे चरण में 25 मई को होगा मतदान, पहले 7 मई को होना था चुनाव। महाराष्ट्र और तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली, इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा कि मोहब्बत की दुकान में बिक रहे फेक वीडियो। गृहमंत्री अमित शाह के फेक वीडियो केस में कार्रवाई और अहमदाबाद पुलिस ने कांग्रेस नेता के पीए और आम आदमी पार्टी के नेता को किया गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी दर्ज किया FIR। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की एक और सूची जारी, 4 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। गुरुग्राम से राज बब्बर को दिया गया टिकट, कांगड़ा से आनंद शर्मा होंगे उम्मीदवार। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामला, SIT जांच तक हासन सांसद प्रज्वल रवन्ना पार्टी से सस्पेंड, JDS कोर कमेटी की बैठक में फैसला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और राजौरी के अंदर मतदान की तारीख में बदलाव किया गया है, अब 25 मई को वहां मतदान किया जाएगा। छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा, पहले 7 मई को चुनाव होना था, तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होना था, लेकिन अब तारीख में बदलाव किया गया है और अब 7 मई की जगह 25 मई को चुनाव होगा और ऑफिशियल इलेक्शन। झूठ बोलना पड़ रहा है, आज कांग्रेस कंगाली तक पहुंच गई है। इनके गठबंधन में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो 272 सीटों पर चुनाव लड़ती हो। कांग्रेस वाले झूठे वीडियो बनाकर अफवाहें फैलाते हैं। अब उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें इन्होंने महिलाओं से मंगलसूत्र छीनने की पूरी तैयारी कर ली है। जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। भाई और बहनों, ये चुनाव भारत के स्वाभिमान का है। आपने
10 साल पहले का समय देखा है, आप आज का भी समय देख रहे हैं। आज दुनिया उस भारत को जानती है जो दुनिया के विकास को गति दे रहा है, जिसका चंद्रयान वहां पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंचा, जो भारत एक साथ 100 सैटेलाइट भेजता है, वो भारत जो गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, वो भारत जिसने अपनी मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई, वो भारत जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई, वो भारत जो बड़े से बड़े युद्ध से भी, गोलाबारी के बीच से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल करके लाता है। क्या भाइयों बहनों, पहले ऐसा कभी होता था? पहले ऐसा कभी होता था? नहीं, आप तो बताएं तो पता चले, पहले ऐसा कभी होता था? नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के मांडा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस 60 सालों तक सत्ता में रही, लेकिन हर बार ना जाने कितने उनके प्रधानमंत्री आए जो एक ही बयान लगातार देते रहे। वो कहते रहे कि गरीबी हटानी है, लेकिन गरीबी कभी उन्होंने हटाई नहीं, और आपके आशीर्वाद से हमने 10 साल में देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया, और इस पुण्य के हकदार सिर्फ आप लोग हैं। यानी बिल भी जीरो और बिजली से कमाई भी, ये होता है मोदी की गारंटी का मतलब। भाइयों बहनों, विकसित भारत बनाने में देश की नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। मोदी गांव की अपनी करोड़ों बहनों को सशक्त करने में जुटा है। 10 वर्ष में हमने 10 करोड़ बहनों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। आज ये बहनें गांव की अर्थव्यवस्था को गति दे रही है। हमारे प्रयासों से कुछ समय के भीतर 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी है। आंकड़ा बहुत बड़ा है, 1 करोड़ बहनें मेहनत करके, कमाई करके लखपति दीदी बनी है। और अब मोदी ने गारंटी दी है कि मैं 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाऊंगा, और तभी तो हिंदुस्तान कोने कोने से हर मां, हर बहन, हर बेटी एक ही बात कह रही है, फिर एक बार। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने असम के गुवाहाटी में प्रेस वार्ता की, और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो कांग्रेस की तरफ से सर्कुलेट किया गया, उसको लेकर उन्होंने बकायदा दोनों वीडियो प्ले किए। उन्होंने ओरिजिनल और फेक दोनों वीडियो को चलाया। अमित शाह ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, हमारी पार्टी SC ST और OBC आरक्षण के समर्थन में है। इन समुदायों के आरक्षण पर अगर किसी ने टाका डाला तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला। फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस में एक शिकायत बीजेपी ने और दूसरी शिकायत गृह मंत्रालय ने की। बीजेपी ने देश भर में FIR दर्ज कराने का फैसला किया। हम 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ की सरकार चला रहे हैं। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह
इमरजेंसी डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने में नहीं किया। इमरजेंसी डालने के लिए, लोकसभा का टर्म एक्सटेंड करने के लिए, संविधान बदल करने में नहीं किया। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने में किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में किया, अंग्रेजों के कानून बदलकर भारतीय संस्कार और भारतीय पद्धति के कानून लाने में किया, कोरोना के खिलाफ लड़ने में किया, और जब कोर्ट से जनादेश मिल गया तो राम मंदिर के निर्माण में भी हमारी सरकार ने पूरी अनुकूल जमीन तैयार करने में अपनी भूमिका की। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है, और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर एसटी एससी और ओबीसी को। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सियासी पारा हाई है। बड़े बड़े नेताओं और हॉट सीट पर दिग्गजों की चुनावी रैलियां और रोड शो हो रहे हैं। दो चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब बारी है तीसरे चरण के रण की। इस बीच आज पश्चिमिया न्यूज के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र महाराष्ट्र के दौरे पर रहे, जहां डॉक्टर जगदीश चंद्र ने उत्तर मुंबई लोकसभा सीट का चुनावी फीडबैक लिया। ये रिपोर्ट देखिए। दो चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीसरा चरण आते आते देश का सियासी पारा बढ़ गया है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी, उससे पहले बड़े बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। हर कोई सियासी जमीन भापने की कोशिश में जुटा है। हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार मुंबई उत्तर सीट पर 5वें चरण में मतदान होगा और इस सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मैदान में उतारा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र ने मुंबई उत्तर सीट पर चुनावी फीडबैक लिया। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुंबई के बोरीवली इलाके में मुलाकात की और पीयूष गोयल को डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बधाई दी। पीयूष गोयल ने भी डॉक्टर जगदीश चंद्र का आभार जताया और दोनों के बीच गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। पीयूष गोयल ने आज ही नामांकन भरा है और पर्चा दाखिल करने से पहले नामांकन सभा भी हुई। इस दौरान डॉक्टर जगदीश चंद्र ने ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर सियासी समीकरण का जायजा लिया। मुंबई उत्तर सीट पर 20 मई को मतदान होगा और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, इसको परखने के लिए डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दौरा किया और मुंबई उत्तर सीट पर डॉक्टर जगदीश चंद्र ने नजदीक से सियासी हालातों का जायजा लिया। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे महाराष्ट्र का सियासी पारा भी चढ़ रहा है। अब 4 जून को किसके सर पर ताज सजेगा, ये तो जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हुई है और इसके चलते सियासी पारा चढ़ा हुआ है।
विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी को एक और मौका दे दिया है। फरुखाबाद में इंडी गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाका के समर्थन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में जनसभा में वोट जिहाद का नया मुद्दा उठा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी और सपा नेता मारिया आलम खान ने यह विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से एकजुट होकर वोट देने की अपील करते हुए कहा कि एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघीय सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। वहीं इस बयान के बाद बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। इसलिए बहुत अकलबंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघीय सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज को उनका भुगता पानी बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी और पूरा इंडी अलायंस जिहादी बचाव तो करता ही था। लगातार अफजल से लेकर याकूब जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड जिहादियों को बचाने की पैरवी तो की है, अब चुनाव में भी जिहाद नजर आ रहा है। हमारी संस्कृति तो यह है, तो हम लोकतंत्र का पर्व मानते हैं, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारे विचार है। पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव को जिहाद मानती है। इसी संस्कृति से बहुत कुछ उल्लेख हो जाता है कि कौन किस प्रकार से चुनाव लड़ रहा है, कौन जनता के समर्थन से लड़ रहा है और कौन जिहादियों के समर्थन से, क्योंकि उन्होंने इसको वोट जिहाद कहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी।